नमस्कार मित्रों, अक्षय डिजिटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो A4 साइज़ पेपर पे कैसे ले जा करके हम एक साथ प्रिंट निकाल सकते हैं कई फ़ोटो का। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ोटो ले आते हैं जिसकी प्रिंट हमें कई निकालनी है। तो हम सबसे पहले फ़ोटो ले आते हैं। ये फ़ोटो ले लिया। ये फ़ोटो में ये ध्यान रखने वाली बात है कि बॉर्डर के किनारे थोड़ा सा हमें स्पेस रखना है, जिससे A4 साइज़ पर प्रिंट करने के बाद उसे आसानी से कटिंग की जा सके। और इमेज का हमें साइज़ देख लेना है। हम इमेज में आते हैं, इमेज साइज़ देख लेते हैं। 1x1.25 इंचेज है, नियर अबाउट 300 रेजोल्यूशन है। इसको ऐसे रहने देते हैं। हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं और पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं A4 साइज़। कोई भी साइज़ पे आप ले जा सकते हैं। हम A4 साइज़ पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। फिर हम जिस इमेज को लाना है उसको सेलेक्ट करते हैं और एडिट पे आते हैं। और यहाँ पर डिफाइन पैटर्न, हम पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं या यही रहने देते हैं। यहाँ ओके कर देते हैं। और फिर हम इस पेज को, जो नया पेज है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट में आते हैं और यहाँ फिल पे क्लिक करते हैं। इधर देख रहे हैं कस्टम पैटर्न पे ये आ गया है फ़ोटो। अगर नहीं आया है तो इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए फ़ोटो, ये पहले से थी, ये अब मैं लेके आया हूँ। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए सारी फ़ोटोज़ आ गई हैं। आराम से हम इसको कटिंग करके और अलग रख सकते हैं। तो इस तरह से हम A4 साइज़ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ला करके और उसे हम एक साथ कई फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।